गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले हफ्ते अपन ने आपका जो पेपर फर्स्ट है पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास, जिसमें प्लेटो से मार्क्स तक जो विचारक हैं उनका अपने को अध्ययन करना है। और इस पेपर की जो शुरुआत है उसमें प्राचीन यूनान राजनीतिक चिंतन का जो अपन ने सामान्य परिचय चिंतन की बात करी, उसको अपन आज आगे बढ़ाते हुए उस पीरियड की और कौन सी विशेषताएं हैं, फिर मध्ययुग से पहले जो रोमन चिंतन था वो किस प्रकार का था, उस पीरियड की क्या विशेषताएं थी, फिर अपना मध्ययुग शुरुआत की बात आती है, मिडिल पीरियड में क्या दिखाई दिया, और फिर मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट की शुरुआत होती है जिसका जनक हम मैकियावेली को मानते हैं। जैसा कि अपन देख चुके हैं कि यदि हमें पश्चिमी साहित्य, संस्कृति, कला, विज्ञान, दर्शन को देखना है, समझना है, उसका विश्लेषण करना है, उसकी जानकारी लेनी है, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें प्राचीन यूनान के चिंतन में जाना होगा, हमें प्राचीन यूनानी चिंतन को समझना होगा। और इस पीरियड के दो प्रमुख विचारों का हमने नाम लिया, उनका उल्लेख किया, प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो का ग्रंथ रिपब्लिक और अरस्तु का ग्रंथ पॉलिटिक्स इस समय हमारे विषय की शुरुआत करते हैं और अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। जहां तक इस सभे की जो विशेषताएं थी वो है यूनानी राजनीतिक संस्थाएं। इन संस्थाओं में अपन ने दो प्रमुख नगर राज्यों को उल्लेख किया, एथेंस और स्पार्टा। एथेंस और स्पार्टा की आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन कर प्लेटो और अरस्तु ने राजनीतिक शास्त्र के जो सिद्धांत बनाए यहीं से प्रेरणा लेकर। इस समय का जो प्रमुख विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि जो मुख्य विषय था चिंतन का, फोकस ऑफ देयर थॉट्स, उन्होंने सबसे पहले सृष्टि को नियंत्रित करने वाले नियमों का पता लगाने की बात करी कि सृष्टि को हम किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। बदलती हुई परिस्थितियों ने उन लोगों में इस चीज के प्रति जिज्ञासा पैदा करी कि मनुष्य की प्रकृति कैसी है, और उन्हें अपनी संस्कृति और जो बर्बर जातियों की संस्कृति में बहुत अंतर दिखाई दिया, और उन्होंने यह विश्वास जागृत किया अपने मन में कि मनुष्य स्वयं अपने समाज को मनचाहा और सर्वोत्तम रूप दे सकता है। इसलिए उनकी बौद्धिक जिज्ञासा और अन्वेषण वृत्ति में क्षेत्र की कोई सीमा नहीं रही, और इस तरह धीरे धीरे उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर अपने चिंतन को आगे बढ़ाया। इस पीरियड की जो और विशेषता है वो सोफिस्ट लोगों की भूमिका है। जो सोफिस्ट एक अलग प्रकार की विचारधारा है कि पांचवी शताब्दी की ईसा पूर्व के दौरान यदि हम देखें तो एथेंस में लोकतंत्र के उत्कर्ष के कारण डेमोक्रेसी आ चुकी थी, जनतंत्र आ चुका था, उसका जन्म हो चुका था, विचार की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया। किसकी स्वतंत्रता को? अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करने की। और इस दौर में पुराने जो भूस्वामी, जो अभिजात वर्ग था, और जो नया व्यापारी वर्ग था, जो कुशल और संपन्न वर्ग था, उनके बीच राजनीतिक सत्ता के लिए एक प्रतिद्वंदिता चल पड़ी। ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे हालत में लोकतंत्र का समर्थन प्राप्त करने के लिए वाक्यपटुता के प्रयोग का रास्ता खुल गया। इस पर ध्यान दीजिए, वाक्यपटुता। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऐसे, अपन किसकी बात कर रहे हैं? सोफिस्ट लोगों की। सोफिस्ट कौन है? ऐसे वैतनिक शिक्षकों, पेड टीचर्स, उनको तनख्वाह दी जाती थी, उनको वेतन दिया जाता था, ऐसे वैतनिक शिक्षकों का समूह अस्तित्व में आया।
अस्तित्व में कब आया? वैतनिक शिक्षकों का समूह, जब दोनों वर्गों के बीच में संघर्ष चल रहा है, प्रतिद्वंदिता चल रही है, किसको लेकर? राजनीतिक सत्ता को लेकर। कब चली ये प्रतिद्वंदिता? जब लोकतंत्र में उत्कर्ष हुआ। कहां पर हुआ लोकतंत्र का उत्कर्ष? एथेंस में। कब हुआ? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हुआ। तो एक ग्रुप आया, इस ग्रुप की अलग विचारधारा थी, इस ग्रुप को सोफिस्ट विचार कहा। और ये जो ग्रुप अस्तित्व में आया, उनका काम क्या है? जो धनवान लोगों को राजनीति में सफलता प्राप्त करने की शिक्षा देते थे। धनवान लोग यानी जिनके पास बहुत अधिक पैसा था, रुपया था, धन दौलत थी, कि राजनीति में किस प्रकार हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें ये सिखाते थे कि वाक्य पटुता और तर्क की कला के बल पर वह जनसाधारण के मन को कैसे जीत सकते हैं, उनको कैसे इंप्रेस कर सकते हैं, उन पर कैसे अपना प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसी शिक्षा इस वर्ग के द्वारा, जो वैतनिक शिक्षक कहलाते हैं, वो धनवान लोगों को समय समय पर राजनीति में सफलता प्राप्त करने की शिक्षा देते हैं। इसलिए इन लोगों को सोफिस्ट या कूट तर्कवादी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कूट तर्कवादी कहा जाता था, कि तर्कों के माध्यम से, लॉजिक के माध्यम से जनमानस को प्रभावित कैसे किया जाए, जिससे कि राजनीतिक सत्ता इन लोगों के हाथ में आ जाए। वस्तुतः सोफिस्ट एक व्यवसाय था, यह कोई विचार नहीं था, यह कोई संप्रदाय नहीं था, स्कूल ऑफ थॉट नहीं था। इन लोगों का काम करने का तरीका एक जैसा था, परंतु विचार एक जैसे नहीं थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध नाम जो है वो प्रोटोक्रॉल्स का है। कुछ लोग सुकरात को भी सोफिस्ट कहते हैं, परंतु यदि हम सुकरात के विचारों का अध्ययन करें, विश्लेषण करें, तो सुकरात पूरी तरह से सोफिस्ट नहीं था। प्रोटोगोरस का कहना है कि मनुष्य ही सब वस्तुओं का मापदंड है। इसका मतलब था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने विश्वास के अनुसार यह निर्णय करने की योग्यता रखता है कि क्या सही है क्या नहीं है। अतः मनुष्य के व्यवहार के लिए या शासन के संचालन के लिए कोई निश्चित नियम निर्धारित नहीं किए जा सकते। ऐसे विचार रखकर सोफिस्टों ने प्रकृति के तार्किक आधार को चुनौती दी, जो कि यूनानी दर्शन और नीति शास्त्र का सिद्धांत था, एथिक्स का। सोफिस्टों ने अपने विचार अपने समकालीन यूनानी चिंतन से हटकर रखे। इनका कहना था कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होते हैं। इस स्वार्थी होने के कारण हर व्यक्ति अपने अपने आगे इस विचार को बढ़ाते हुए प्राचीन रोम का जो राजनीतिक चिंतन है, उसकी अपन ने कुछ सामान्य विशेषता देखनी है। जब आंतरिक और बाहरी आक्रमण के कारण यूनानी नगर राज्य नष्ट हो गए, यूनानी नगर राज्य धीरे धीरे खत्म होने लगे, क्योंकि आंतरिक आक्रमण होने लगे, आपस संघर्ष होने लगे और बाहरी आक्रमण, और सारी जो सभ्यता का केंद्र था वो रोम बन गया। शुरू शुरू में रोम एक नगर राज्य था, जो निकटवर्ती पहाड़ियों पर रहने वाले जनजातियों के संगठन से बना था, परंतु आगे चलकर इसने एक साम्राज्य का रूप विकसित किया। भिन्न भिन्न जातियों, धर्मों और रीति रिवाजों में विश्वास करने वाले लोगों पर शासन करने के लिए एक लीगल सिस्टम, कानूनी प्रणाली वहां पर विकसित हो गई। कहां पर? रोम में। साधारणतः रोमन लोगों ने अपने दार्शनिक विचार यूनानी लोगों से ही प्राप्त किए। जो विचार उन्होंने अपने प्रस्तुत किए, उनको कहां से ग्रहण किया? यूनानी लोगों से। वस्तुतः रोमन साम्राज्य का उदय तत्कालीन ऐतिहासिक परिस्थितियों का परिणाम था, वह किसी व्यवस्थित राजनीतिक चिंतन की देन नहीं है। फिर भी रोम के लोगों ने कानून की ऐसी प्रणाली विकसित की जो यूनानी चिंतन से आगे बढ़ने का संकेत देती है। यानी जो कानून की प्रणाली है,
वह यूनान से एक कदम आगे है। इसमें देखें अपन सबसे महत्वपूर्ण जो से सकारात्मक कानून का विचार था, पॉजिटिव लॉ का, इसने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग कर दिया और राज्य और समाज की संकल्पनाओं में अंतर स्थापित किया। पहली चीज कौन सा कानून प्रस्तुत किया? पॉजिटिव कानून, जिसने राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र को बिल्कुल अलग कर दिया और राज्य और समाज की संकल्पनाओं में अंतर स्थापित किया। रोम ने लोगों ने ही राज्य की कानूनी व्यक्तित्व और राजनीतिक संप्रभुता के विचार का सूत्रपात किया, जिसके अंतर्गत राज्य को कानून के निर्माता के रूप में मान्यता मिल गई। यूनानी राजनीतिक चिंतन की तुलना में यह विचार बिल्कुल अलग था। कौन सा विचार अलग था? कि राज्य को कानून के निर्माता के रूप में, राज्य के में कानून का निर्माता कौन है? रोमन साम्राज्य के अनुसार, रोमन विचारकों के अनुसार राज्य है। ये विचार हमें यूनानी राजनीतिक चिंतन में देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए विचार बिल्कुल नहीं है। तीसरी प्रमुख रोमन साम्राज्य की जो विशेषता है कि राज्य और व्यक्ति के बीच सीमा रेखा खींची गई, स्टेट एंड इंडिविजुअल, और इन दोनों के अपने अपने अधिकारों और कर्तव्यों को मान्यता दी गई। राज्य के महत्व को स्वीकार करते हुए भी इसने व्यक्ति को कानूनी चिंतन की दूरी के रूप में मान्यता दी। तो इस दृष्टिकोण के अनुसार क्या हुआ? राज्य के अस्तित्व का उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना था, उसके अधिकारों का अतिक्रमण करना नहीं था। यूनानी चिंतन में केवल व्यक्ति के कर्तव्य की बात की जा रही है, यहां पर इसने अधिकारों को भी शामिल किया रोमन साम्राज्य। इस तरह राज्य की सत्ता की सीमा निर्धारित कर दी गई। रोमन कानून की विस्तृत प्रणाली इसी संकल्पना पर आधारित थी और जो रोमन विचारक हैं, हम किसका नाम ले सकते हैं? पोलीबियस, सिसरो, सेनेका का नाम उल्लेखनीय है। तो हमने आज दो विचारों की विशेषता देखी, यूनानी चिंतन की और रोमनकालीन चिंतन की। कल अपन देखेंगे मध्ययुगीन यूरोपीय राजनीतिक चिंतन की क्या विशेषता है। बहुत बहुत धन्यवाद।